एशिया कप का इंतजार हम सभी को है, भारत बनाम पाकिस्तान का इंतजार अब रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से 28 अगस्त आ जाए। हालांकि जिम्बाब्वे का दौरा भी शुरू होने वाला है 18 तारीख से, लेकिन सभी का ध्यान कहीं ना कहीं एशिया कप को लेके। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो कि एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए था, समझ नहीं आया कि क्यों नहीं है। लेकिन उस खिलाड़ी ने, जी हाँ, ईशान किशन ने अब जाके तोड़ी है चुप्पी अपनी और बता दिया है कि क्यों जो है उनको नहीं सिलेक्ट किया गया, और साथ ही साथ उनके क्या कमबैक प्लान्स हैं, क्या वर्ल्ड कप ईशान जाएंगे इसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन घंटी जरूर प्रेस करो। चलिए बात कर लेते हैं पॉकेट साइज डायनामाइट ईशान किशन की, और क्या कुछ कह दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लेके। टीम से ड्रॉप हुए एशिया कप के लिए, ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं है साउथ अफ्रीकन सीरीज के बाद, तो ऐसी क्या वजह आ गई कि सिलेक्टर्स ने ईशान किशन को कंसिडर ही नहीं किया एशिया कप के लिए। अभी के ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो कि सूर्य कुमार यादव के बाद, अगर हम ICC टीमों की रैंकिंग्स की बात करते हैं भारत की तरफ से मेन्स कैटेगरी में, तो उसमें ईशान किशन सूर्य के बाद आते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल ये कि जब सूर्य के बाद ईशान किशन का नाम आ रहा है तो यार वो बाहर कैसे हो सकते हैं, वो भी तब जब ज़्यादा उनको आपने खिलाया ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा शायद लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक प्रॉपर बैकअप के तौर पर, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिहाज से जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं, क्या ईशान किशन जो कि पेस के खिलाफ थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे, अब ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से ईशान किशन को नहीं लिया गया है। ईशान किशन ने बताया कि वो कमबैक करने के लिए बेकरार हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ज़रूर टीम इंडिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईशान किशन फीम एंड स्क्वाड में जगह बना पाएंगे, क्या वो उन रिजर्व खिलाड़ियों में भी होंगे जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर का होना बेहद ज़रूरी है। शिखर धवन स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं T20 क्रिकेट के लिहाज से, वैसे में निगाहें ईशान किशन पर ज़रूर रहेंगी कि कैसे वो वापसी करते हैं। बट इतना बड़ा सरप्राइज रहेगा कि ईशान किशन अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाते हैं, और रैंकिंग्स के लिहाज से देखा जाए तो वो सूर्य कुमार यादव के बाद 15वें नंबर पर आ रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम दी बेस्ट, जब आप बैट्समैन ऑफ स्पिन देखते हो तो उसमें आप रैंकिंग्स को आप ज़रूर कंसिडर करते हो। ऐसे में ईशान किशन का वहाँ पर होने के बावजूद टीम में ना होना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। अब कमेंट करके बता दो क्या आपकी एशिया कप स्क्वाड में वो बनते थे, या फिर अब वर्ल्ड कप के लिए आप उनको जरूर स्कीम ऑफ थिंग्स में रखेंगे। कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो।